share together. हरियाणवी डांसर और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही सपना चौधरी इन दिनों काफी हॉट और ग्लैमरस हो गई है। हाल ही में सपना ने हॉट फोटो शूट करवाया है जिसके लिए वो मीडिया से बातें करती भी नजर आईं। ये खाली फोटो शूट है और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पहला फोटो शूट है, तो जब हो जाएगा तो तब मैं बता सकती हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं हूँ। नर्वस क्यों होना, बहुत जल्दी मतलब हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम 15 दिन के अंदर फिल्म का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। वो चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत टैलेंट है। अगर आप घूम फिर के देखोगे तो बहुत लोगों को चांसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे मिला है। पता नहीं क्यों मिला है ये भी नहीं पता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग करूँ, कुछ अनोखा करूँ। जब मुझे कुछ अलग और कुछ अनोखा ऐसी चीज़ दिखेगी कि ये बहुत दिल के करीब है और मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ संजय दत्त, बस और किसी के नहीं। बहुत मज़ा आया और मुझे पता है कि उनकी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने भी, और पब्लिक ने उनको बेसिकली बहुत प्यार दिया है, तो लेकिन जो रणबीर कपूर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मतलब उनका लग ही नहीं रहा कि वो रणबीर कपूर है, वो सच में देखने में ऐसे लग रहे कि संजय दत्त है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं उसके लिए इतनी पागल हूँ। मैं 3-4 दिन लगातार देख सकती हूँ मूवी, थिएटर में बैठ के हर शो देख सकती हूँ। सलमान खान की रेस 3 आने वाली है, तो फिल्म का ट्रेलर देखा आपने और क्या कहना चाहेंगे? मैंने फिल्म का ट्रेलर सच में नहीं देखा मैंने नहीं देखा, पर मुझे पता है कि जहाँ खान साहब हो वो चीज़ तो देखिए चलनी है। वो तो पता नहीं कहाँ से उतर के आए, तो कुछ कहना ही नहीं बनता, ये सवाल तो बनता ही नहीं है।